फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर 26 महिलाओं के साथ की धोखाधड़ी। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली शोभना भटनागर ने थाने पर उपस्थित होकर 26 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी होने का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जानकारी देते हुए आदर्श नगर थाने के SI ने बताया कि परिवादी शोभना भटनागर ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दो बदमाश उनके पुराने बड़गांव क्षेत्र में पहुंचे और अपने आप को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर ग्रुप लोन दिलाने की बात कही, जहां क्षेत्र की 26 महिलाओं ने पैसे दे दिए। जब कंपनी द्वारा पैसे देने की बारी आई तो बदमाश वापस नहीं लौटे, जिसके बाद महिलाओं ने आदर्श नगर थाने में बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ठीक है जी, आगे। कल दिनांक 11/2020 को श्रीमती शोभना भटनागर महिला ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि हमारी कॉलोनी पुराना बड़गाम में दो व्यक्ति, एक ओम प्रकाश नाम का, एक अज्ञात था जिसका वो नाम नहीं जानते, कोई लोन का आश्वासन देकर और कॉलोनी में आए व 26 महिलाओं का एक ग्रुप तैयार करवाया, प्रत्येक महिला से 1982 रुपये देने के लिए कहा, जिस पर 26 महिलाओं ने 51,000 रुपये उसको इकट्ठे करके दिए और प्रत्येक महिला को 45,000 लोन दिलवाने का आश्वासन दिया। अब वो वापस फरार हो गए, वो आए नहीं, तो इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। कोई कंपनी थी है, कोई बैंक वाले? फाइनेंस, अपने आप को फाइनेंस वाले बता रहे थे उन महिलाओं को कि हम पल MD फाइनेंस कोई है, MD फाइनेंस का कर्मचारी बता रहे थे। अब इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। नाम? ठीक, नाम आपका? भूरी सिंह, SI, थाना आदर्श।